हर हर महादेव एवरीवन, जय सियाराम। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भक्तों, आप सबके साथ एक विशेष सूचना इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। उसके पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर जरूर करें अपने इंस्टा एफ बी एंड व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी भक्तों तक पहुंचनी चाहिए। ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जिस दिन हम सभी भक्त, चाहे वो भोले बाबा के भक्त हों चाहे प्रभु श्री हरि के भक्त हों, सभी भक्त मिल करके भोले बाबा और प्रभु श्री हरि दोनों जन की पूजा करते हैं। जी हाँ, ऐसा दिन होता है वैकुंठ चतुर्दशी का, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन हम सब सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास के वैकुंठ चतुर्दशी का फेस्टिवल हम सभी 6 नवंबर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। दिन है रविवार का। अब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना है, किस समय पूजा करनी है, क्या हमें उससे रिजल्ट मिलता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगी। उसके पहले आपको बता दूं वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। देखिए, पुराणों में ना हमारे अलग अलग कथाएं आती है वैकुंठ चतुर्दशी की। उसमें जो सबसे प्रमुख कथा आती है वो है हमारे प्रभु श्री हरि की। हमारे प्रभु श्री हरि एक बार उन्होंने सोचा कि वो देवाधिदेव महादेव का पूजन करें। ऐसा सोच करके वो काशी गए। काशी में मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने स्नान किया और फिर 1000 स्वर्ण के कमल पुष्प लिए प्रभु ने, और वो भोले बाबा का, काशी विश्वनाथ जी का संकल्प करके पूजा अर्चन करने लगे। पहले उन्होंने बाबा का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद में, जैसे हम पंचामृत अभिषेक करते हैं, उसके बाद बाबा के ऊपर वो सोने के कमल के पुष्प अर्पित कर रहे थे। अब 1000 कमल लेकर के प्रभु श्री हरि बैठे थे। जब उन्होंने 999 कमल चढ़ा दिए तो एक कमल कम पड़ गया। अब जब कमल कम पड़ा तो उन्हें लगा, अरे ये तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तब उन्होंने सोचा, क्यों नहीं मैं अपनी एक आंख जो है, क्योंकि भगवान को हम कमल नयन भी कहते हैं ना, भगवान के नयन कमल जैसे हैं, उन्होंने सोचा मैं कमल नयन हूँ, मैं अपनी एक आंख निकाल के भोले बाबा के शिवलिंग पे अर्पित कर देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे हैं कमल गया कहाँ। कमल जो है वो हमारे प्रभु भोले बाबा ने उसे चुरा लिया था। चुरा नहीं लिया था, ये वर्ड गलत होगा, भगवान ने उसे गायब कर दिया था देखने के लिए, प्रभु श्रीहरि की भक्ति, उनकी परीक्षा लेने के लिए। और जब प्रभु श्रीहरि अपनी आँख निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित करने लगे, तब भोले बाबा प्रसन्न होकर के अपने प्रभु श्रीहरि को दर्शन दिया और बताया कि मैंने ही एक कमल हटा दिया था, और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी मृत्युलोक में रहने वाला मनुष्य प्राणी इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करेगा और भोले बाबा प्रभु श्रीहरि की पूजा करेगा, उसे डायरेक्ट वैकुंठ धाम मिलेगा। और इसी दिन ना भोले बाबा ने प्रभु श्रीहरि को सुदर्शन चक्र भी दिया था। जी हाँ, जो हमारे प्रभु के हाथ में सुदर्शन चक्र है वो भोले बाबा ने ही दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये थी एक कथा। और एक दूसरी और कथा आती है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। कथा के अनुसार एक बार नारद जी ना घूमते घूमते वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ पे भगवान प्रभु श्रीहरि आनंदपूर्वक बैठे हुए थे। नारद जी ने प्रभु से जाके पूछा, प्रभु आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, आपका एक नाम कृपा निधान भी है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि जो सामान्य नर नारी हैं वो ऐसा कौन सा कार्य करें कि उनको मुक्ति मिल जाए, उन्हें आपका वैकुंठ धाम मिले। तब प्रभु श्रीहरि ने बताया कि जो कोई भी भक्त कार्तिक चतुर्दशी को मेरी पूजा अर्चना करेगा उसके लिए सदैव मेरे वैकुंठ धाम का द्वार खुला हुआ है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। प्रभु कहते हैं इस दिन जो कोई भी मेरा भक्त थोड़ा सा भी मेरा नाम लेकर मेरा पूजन करेगा ना, उससे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अब एक और पौराणिक कथा आती है जो एक ब्राह्मण की है जिसका नाम धनेश्वर था। वो बहुत पापी था, बहुत ज़्यादा पूरे बुरे कर्म किया करता था। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर ने भी उन सबके साथ स्नान किया। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श से धनेश्वर ने जो भी पाप किए थे वो दूर हट गए और उसे पुण्य की प्राप्ति हुई। अब धनेश्वर की एक दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे यमदूत यमलोक ले गए। जब यमलोक ले गए तो उसे उसके पाप देख करके नरक में भेजने लगे।
तब तक भगवान श्री हरि के पार्षदों ने आकर के ऐसा बताया कि इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया था और श्रद्धालुओं के जो पानी के छींटे इसके ऊपर गए थे उस वजह से इसके पाप नष्ट हो गए हैं और इसे वैकुंठ धाम मिल गया है। उसके वजह से धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। फ्रेंड्स, ये थी वैकुंठ धाम की महिमा। अब मैं आपके साथ बताती हूँ वैकुंठ धाम के दिन हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति, नारी या पुरुष, प्रभु श्री हरि भोले बाबा की पूजा करते हैं ना, उन्हें 14,000 पाप कर्मों का दोष उनका मिट जाता है। और जो कथाएं मैंने आपको बताई, इन कथाओं को भी आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य सुनना है। पूजा किससे करनी है? देखिए, हम भोले बाबा पर तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं। यहाँ कुछ संत हैं जो कहते हैं कि हमें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर, और कहीं कहीं मैंने सुना है नहीं अर्पित करना चाहिए। अब ये बात प्रभु जाने। अगर आप तुलसी दल साल भर भोले बाबा पर अर्पित नहीं करते हैं, मैं खुद नहीं करती हूँ, तो केवल हमारे पास साल का एक दिन ऐसा होता है जब हम बाबा के शिवलिंग की पूजा तुलसी दल से करते हैं, और वो दिन है हमारा वैकुंठ चतुर्दशी का। आप लोगों को सर्वप्रथम 6 नवंबर के दिन मध्य रात्रि के समय, जिसे हम निषिद्ध काल कहते हैं, निषिद्ध काल का समय 11:30 से लेकर के 1 या 1:30 बजे के बीच का होता है। इस समय के बीच में तो आप 12 बजे का मिडनाइट का समय ले लें। उस समय आपको प्रभु श्री हरि की खूब सुंदर विधि विधान से पूजा करनी है। पुष्पों से उनका श्रृंगार करें, धूप दीप अर्चन करें और उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाएं और प्रभु के सामने भजन कीर्तन करें। अब आपको भोले बाबा की पूजा करनी है। भोले बाबा की पूजा आप कब करेंगे? 6 तारीख की रात को आपने प्रभु श्री हरि की पूजा की, जब पूरी रात ढल जाएगी, नेक्स्ट दिन 7 तारीख होगी, 7 नवंबर के दिन सूर्योदय के समय आपको भोले बाबा की पूजा करनी है तुलसी दल से। जी हाँ, तुलसी दल से, बिल्वपत्र से, दुर्वा दल से आप भोले बाबा की पूजा करेंगे, विधि विधान से उनका अभिषेक करेंगे और फिर बाबा से अपने मन की इच्छाएं कहेंगे। और आपको प्रभु श्री हरि की पूजा में भी बिल्वपत्र का, दुर्वा दल का और तुलसी दल का यूज जरूर करना है। अब आप इस तरह से पूजा कर लेते हैं भोले बाबा की, प्रभु श्री हरि की, तो आपके ऊपर प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और साथ में हमारे जो संचित पाप होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। और अंत समय में हमें यमदूत लेने नहीं आते हैं, प्रभु के पार्षद लेने आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है फटाफट आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8691873745 पर कॉन्टेक्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहाँ बंद कर रही हूँ। प्रभु श्री हरि और भोले बाबा अपनी कृपा हम सभी भक्तों बनाए रखें, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। जय श्री राम।